क्या आपको पता है कि आखिर पीएम मोदी की सुरक्षा में लगे एसपीजी के जवान हर वक्त काला चश्मा क्यों पहने रहते हैं? मोदी ही क्यों, लगभग सभी वीवीआईपी की सुरक्षा में लगे गार्ड्स काला चश्मा पहने रहते हैं। आखिर किन खास वजहों से इन सुरक्षा कर्मियों की आंखों पर हमेशा काला चश्मा चढ़ा रहता है? हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं इस काले चश्मे का रहस्य। वजह नंबर एक, कोई उनकी आंखों की हरकतों को ना देख पाए। इस काले चश्मे के पीछे आंखें छुपाने की सबसे बड़ी वजह होती है कि ताकि कोई उनकी आंखों को देख न सके, जिससे ये साफ न हो पाए कि वो किस ओर देख रहे हैं। दरअसल सुरक्षा कर्मी मुस्तैदी के दौरान असल में कहाँ देख रहे हैं, इस बात को छुपाने के लिए ही वो काला चश्मा पहनते हैं। वजह नंबर दो, आंखों से पढ़ लेते हैं दिमाग की हर बात। इन सुरक्षा कर्मियों को विशेष ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें इनको आंखों से दिमाग की हर एक बात को पढ़ने की तरकीब सिखाई जाती है। ये लोग इस तरह से प्रशिक्षित होते हैं कि आंख और शरीर की भाषा पढ़कर आपके अगले कदम को पहले ही पढ़ सकते हैं। सामने वाला दुश्मन इस बात को भांप न सके, इसके लिए वो हमेशा काले चश्मे का इस्तेमाल करते हैं। वजह नंबर तीन, किसी भी तरह के खतरे से बच ना पाए। सुरक्षा कर्मी एक और खास वजह से काला चश्मा पहनते हैं, अगर कभी धूल, बम, गोलीबारी या फिर किसी भी वजह से अगर उन्हें कठोर हालात का सामना करना पड़े तो उनकी आंखें पूरी तरह से सुरक्षित रहे और वो सब कुछ साफ साफ देख सके, इसलिए वो इस चश्मे का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो मुस्तैद रहकर सुरक्षा प्रदान कर सके। और आखिरी वजह, धूप या तेज रोशनी से खुद को बचाना। जब धूप ज्यादा होती है तो उस दौरान आंखें ज्यादा देर तक धूप को सहन नहीं कर पाती, और जब आप बाहर से अंदर आते हैं तो आपको ज्यादा साफ नहीं दिखता। साथ ही कई बार अलग अलग रोशनी की वजह से भी आंखों पर प्रभाव पड़ता है, और इसी से बचने के लिए बॉडीगार्ड या फिर सिक्योरिटी गार्ड काले चश्मे का इस्तेमाल करते हैं। NMF न्यूज की रिपोर्ट।